नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने जो ये प्रश्न दिख रहा है, ठीक है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहें तो RRB का सेट उठा लें या UPSC का सेट उठा लें या CHSL या SSC के जो CGL का पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें ये सभी प्रश्न बायोलॉजी के हैं, वो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को कैसे याद करेंगे, किस तरह से कि ट्रिक के माध्यम से कुछ होगा और कुछ लॉजिक से हम और कुछ चीज़ों को ऐसे रिलेट करेंगे सराउंडिंग से ताकि चीज़ें आसानी से हमें याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश्व का सबसे बड़ा पत्ती यानी कि लीफ कौन से ऐसा पौधा है जिसमें सबसे बड़ा पत्ती होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पौधा है? रफिया रिगालिस, ठीक है, रफिया रिगालिस। तो ये ऐसा पौधा है, इसका जो पत्ती होता है काफी बड़ा होता है, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में हम इतना चौड़ा होगा, लंबा होगा, तो समझ सकते हैं कितना लंबा चौड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा पत्ती है, ठीक है, लीफ है, सबसे बड़ा लीफ है पृथ्वी पे। कौन है? रफिया रिगालिस। इसको याद कैसे करना है? तो रफिया हमारा बर्ड दिख रहा है रसिया टाइप से, ठीक है, रफिया और रसिया दोनों एक दूसरे के साथ राइमिंग बना रहे हैं, ठीक है, रफिया और रसिया। रसिया आपको सबको पता है कि सबसे बड़ा देश है, तो रफिया से हम रिलेट करेंगे रसिया को, रसिया सबसे बड़ा देश है तो रफिया सबसे बड़ा पत्ती होगा, ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे रफिया को रसिया से रिलेट करके, ठीक है। तो ये थी पहला प्रश्न। दूसरा है हाइपोजिमा, ठीक है, हाइपोएक्जिमा नामक एक बीमारी होती है, ठीक है, वो किसके कारण होती है? तो जब ब्लड में, ठीक है, ब्लड में अगर आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड में जब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो हाइपो एक्जिमा बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम हाइपो वर्ड पकड़ेंगे, हाइपो मतलब क्या होता है? अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा हाइपो एक वर्ड होता है, हाइपो मतलब कमी होता है, ठीक है, मतलब कि लोएस्ट, ठीक है, हाइपो मतलब कमी होता है, हाइपो ओरिजिनल वर्ड है, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। तो कमी किसका, हम इसी से हम रिलेट करेंगे हाइपो ऑक्जिमा यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि हाइपो, हाइपो मतलब कम और इसमें से ओ इसका एक कॉमन ले लेंगे कि ऑक्सीजन का, यहां से पढ़ने में ही लग रहा है ऑक्सीजिमा, ठीक है, ऑक्सीजिमा, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हाइपो मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी, नाम से ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से हाइपो एक्जिमा होता है बीमारी, ठीक है। आगे देखते हैं, फादर ऑफ बोटनी, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति को हम लोग देवता मानते हैं, देवता इस इन द सेंस गॉड इन द सेंस, इसलिए मानते हैं कि हमें वनस्पति से यानी पौधे से ही भोजन मिलता है, ठीक है, रहने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि पूरा इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट कौन करता है? पौधे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हमारे लिए गॉड का काम कर रहे हैं, गॉड क्या कहते हैं, हमारे ऊपर अपना कृपा बनाए रखते हैं ताकि हम अच्छे से जीवन लाइफ जी सके, ठीक है। तो इसमें पौधे सहायता करते हैं, तो पौधे हमारे लिए गॉड हो गए, ठीक है। और ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहेंगे? थियोक्रेटस। थियो बर्ड क्या होता है? थियो मतलब क्या होता है? THIO मतलब होता है, अगर आप SSC में अगर ये बर्ड पढ़े होंगे, इंग्लिश में बर्ड पढ़े होंगे, थियो होता है क्रेसी, ठीक है, थियो क्रेसी एक बर्ड होता है, मतलब कि गॉड के द्वारा रूल करना, यानी कि गॉड के द्वारा शासन करना, तो थियो मतलब होता है गॉड, ठीक है। तो जब वनस्पति की बात करें तो वनस्पति हमारे लिए गॉड है, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान का जो खोजकर्ता होंगे वो भी गॉड होंगे, ठीक है। जब वनस्पति हमारे लिए गॉड है यानी कि बोटनी हमारे लिए गॉड है, तो इसका खोजकर्ता भी गॉड ही होंगे, तो यानी थियोक्रेटस ने किया था। इस तरीके से हम याद करेंगे, थियोक्रेटस में थियो वर्ड पकड़ेंगे, थियो मतलब गॉड होता है, ठीक है। तो वनस्पति को हम अगर गॉड मानते हैं, वन देवता भी ऐसे भी बोलते हैं हम लोग कि वन देवता है, ठीक है, इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके खोजकर्ता कौन थे? थियोक्रेटस, थियो मतलब भगवान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण पृथ्वी पे सबसे पहले किसने किया था? ऑक्सीजन का निर्माण तो आप जानते हैं कि पौधे करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में कैसे होता है वो भी मैंने बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करा के आप लेबोरेटरी में भी ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पे सबसे पहला फॉर्मेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का किसने किया था? तो उस समय तो हरे पौधे थे नहीं, तो कौन फॉर्मेट किया था? भगवान किया था, तो भगवान तो हम यहाँ पे आंसर होगा नहीं कि, या ऐसे तो सभी चीजें भगवान ने किया था, तो भगवान तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, वो तो कॉमन चीज है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन
जीवों में सबसे पहले किसने किया था? पौधे तो थे नहीं, तो एक बैक्टीरिया ने किया था। क्या नाम था? साइनोबैक्टीरिया उसको कहते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ने सर्वप्रथम पृथ्वी पे ऑक्सीजन का निर्माण किया था। ये एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन अल्गी बोलते हैं। अल्गी क्या होता है? अल्गी मतलब शैवाल। शैवाल ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आपको सबको पता है कि शैवाल ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और बैक्टीरिया ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता, लेकिन ये बैक्टीरिया एक्सेप्शन बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है और ये इसीलिए इसको अलगा ब्लू ग्रीन अलगा बोलेंगे, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगा। तो अलगा क्या करता है कि ऑक्सीजन का निर्माण करता है, तो ये ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। ये बैक्टीरिया है जो एक्सेप्शन बैक्टीरिया है जो अलगा जैसा काम करता है, इसीलिए इसको अलगा कह दिया, ठीक है। इसको अलगा इसलिए कह दिया क्योंकि ये अलगा जैसा जैसा काम करता है, ये ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसको हम दूसरे भाषा में साइनोफाइटा भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया। हम इसको याद कैसे करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। क्योंकि और अदर बैक्टीरिया मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसका अदर नेम है ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनोफाइटा, ठीक है। इसको याद कैसे करना है कि साइनोबैक्टीरिया ही करता है। तो क्या है कि जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है? सनलाइट से होता है, ठीक है। सनलाइट जब आते हैं फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो सनलाइट साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? सनलाइट में साइन करेगा तभी ये ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया इसलिए निर्माण करता है क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश से साइन करता है। साइन करने की वजह से ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मैं आपको कोशिका में पढ़ाया था, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, या कोशिका झिल्ली हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? नारगेली और या एंड सी क्रेमर। नारगेली और सी क्रेमर दो साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने कोशिका झिल्ली की खोज की थी, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करेंगे कैसे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन की अब बात आ रही है, झिल्ली की बात आ रही है। झिल्ली क्या होता है? सबसे ऊपरी सतह, ठीक है। सबसे ऊपरी सतह या सबसे कह दीजिए बाहरी सतह, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी सतह। हालांकि प्लांट सेल में भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी सतह होती है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? सेल मेम्ब्रेन की खोज यानी कोशिका झिल्ली की खोज नारगेली ने की थी। नाइगेली और क्रेमर ने की थी, ठीक है। नाइगेली एंड क्रेमर ने की थी। अब इसको याद कैसे करेंगे? आप अगर नाई के पास जाते हैं, ठीक है, आप अगर नाई के पास जाते हैं तो क्रीम लगाता है। आप अगर बियर्ड बनाने गए, ठीक है, दाढ़ी बनाने गए, ठीक है, तो आपको क्रीम लगाएगा। क्रीम लगाएगा उसके बाद नाई क्या करेगा? क्रीम लगा के आपका वो जो बाल हटाएगा, ठीक है, यहाँ पे दाढ़ी हटाएगी, तो आपका पूरा जो स्किन यानी कि मेंबर दिखना चालू हो जाएगा। ऐसे आपका मेम्ब्रेन यहाँ पे ये सब नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बाल है, ठीक है, या दाढ़ी है, जो भी है, इसकी वजह से आपका वो जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो नहीं दिख रहा है। तो नाई के पास गई मतलब नाई के पास गए तो क्रीम लगा के आपका ये बाल हटाया, उससे आपका फिर से ये जो मेम्ब्रेन है वो दिखने लगा, ठीक है। तो आप इस उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन तभी दिखेगा जब नाई के पास जाएंगे और क्रीम लगा के वो हटाएगा वहां से दाढ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं। मोटिव ये होना चाहिए कि चीजें आपको याद होनी चाहिए, लो इसके पीछे स्टोरी कुछ भी हो, फनी हो या कुछ भी हो, रिलेटेड हो, उस पे आपको बस कंसंट्रेट करना है कि आपकी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र, सबसे अधिक गुणसूत्र यानी कि मनुष्य में 46 होते हैं यानी कि 23 पेयर होते हैं, और सबसे ज्यादा पेयर किस में होते हैं? 630 पेयर यानी कि इसको अगर दो से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना होता है क्रोमोजोम किस में? ओफिलोग्लोसन, ठीक है। ओफिलोग्लोसन नामक एक फर्न है, ठीक है, एक फर्न है, उसमें होता है सबसे ज्यादा क्रोमोजोम। इतने पेयर यानी कि इंटू 2 कर देंगे तो इतना क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि इसी में सबसे ज्यादा होता है। इसके बर्ड को हम लास्ट वाला पकड़ेंगे, सम बर्ड पकड़ेंगे। तो कोई भी चीज हम सम करेंगे, सम मतलब जोड़, ठीक है। अगर किसी भी चीज को हम सम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पेयर ऑफ क्रोमोजोम किस में है? ओफिलोग्लोसा में, ठीक है,
लास्ट वाला वर्ड पकड़ेंगे सम, अगर ऑप्शन में कहीं सम आपको दिख गया तो आप उसको पकड़ लेंगे सम हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा है इसमें क्रोमोजोम, ठीक है। आगे देखते हैं सबसे कम गुणसूत्र, सबसे ज्यादा था ये सबसे कम, मारमेकिया पैलोसुला, ठीक है, मारमेकिया पैलोसुला, इसमें क्या है कि सबसे कम गुणसूत्र होता है, इसमें सबसे ज्यादा है और इसमें सबसे कम। तो मारमेकिया पैलोसुला एक साइंटिफिक नेम है कि कौन से जीव का, एक प्रकार का चींटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है उसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं मारमेकिया पैलोसुला, ठीक है, ये एक प्रकार का चींटी है। इसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, जैक जंपर या जंपिंग जैक या हॉपर एंट या जंपर एंट, ठीक है, इसको इस तरीके से कई नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे कम होता है, ठीक है, तो ये इसमें होता कितना, वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि दो ही क्रोमोजोम होते हैं, वो भी किस में, फीमेल में, मेल में तो एक ही होता है, यानी कि पेयर भी नहीं होता है, इसमें तो वन पेयर यानी कि टू होता है और मेल में सिर्फ एक क्रोमोजोम होता है, यानी कि फीमेल में दो क्रोमोजोम होते हैं और मेल में एक ही क्रोमोजोम होते हैं, ये एक प्रकार का चींटी है। तो मालवेकिया पैलोसुला इसका साइंटिफिक नेम है, इस चींटी का जैक जंपर नाम का जो चींटी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मारमेकिया पैलोसुला, ठीक है, इसमें सबसे कम क्रोमोजोम पाए जाते हैं पृथ्वी पे, जितने भी जीव है उसमें से सबसे कम क्रोमोजोम इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन शब्द का जो क्वाइन किया था, किसने किया था प्रोटीन शब्द, हु क्वाइन प्रोटीन वर्ड, ठीक है, हु क्वाइन प्रोटीन वर्ड, यानी कि प्रोटीन शब्द का खोज किसने किया था, प्रोटीन की खोज किसने किया था, ये अलग प्रश्न बनता है, और प्रोटीन शब्द किसने दिया था ये अलग वर्ड है प्रश्न है, ठीक है। प्रोटीन शब्द जी जोहान मुल्डर ने दिया था, ठीक है, प्रोटीन वर्ड जी जोहान मुल्डर ने, तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो प्रोटीन हमारा जो शरीर बना है वो जिस जिसमें सबसे ज्यादा हमारे शरीर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, प्रोटीन से होता है, आपका बढ़ना है या आपका हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। तो मूल सब्सटेंस क्या है, प्रोटीन है, शरीर का बढ़ने में मूल सब्सटेंस प्रोटीन है, इससे हम याद रखेंगे प्रोटीन मूल सब्सटेंस है, इसलिए तो प्रोटीन वर्ड किसने दिया, मोल्डर ने दिया। अच्छा, तो खोज किसने किया, खोज किसने किया था, प्रोटीन की खोज किसने की थी, लिनियस पॉलिंग, ठीक है, लिनियस पॉलिंग ने किया था प्रोटीन की खोज। अब इसको याद कैसे करना है कि लिनियस पॉलिंग ने खोज किया था और मोल्डर ने वर्ड बनाया था, ये शब्द बनाया था, तो शब्द तो आपको याद हो गया कि प्रोटीन हमारा शरीर का मूल, आप कह सकते हैं कंपाउंड है या कुछ भी कर सकते हैं, इकाई है, ठीक है, जो भी हो आप कुछ भी करके याद रखें कि मूल चीज है प्रोटीन हमारे शरीर का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इसको खोजा किसने था, लिनियस पॉलिंग। अब आप देख रहे हैं प्रोटीन और पॉलिंग, ठीक है, प्रोटीन और पॉलिंग एक ही वर्ड से स्टार्ट होता है, तो प्रा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे प्रोटीन पॉलिंग, इस तरीके से दो तीन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि प्रोटीन से याद स्टार्टिंग होता है, यहाँ से भी से स्टार्टिंग है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। हमारे पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं जब कोशिका पढ़ाता था उसमें बताया था कि जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जब ये जंतु कोशिका की बात आती है, हम आप या एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में एक और ऐसा अंग है उसमें भी डीएनए होता है, उसको कहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में होता है और इसी वजह से उसमें भी डीएनए होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में डीएनए होता है, ये पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका की मैं बात करूं तो जंतु कोशिका में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, यानी कि ये दोनों तो जंतु कोशिका में भी सेम रहेंगे, बस ये बढ़ जाते हैं पादप कोशिका में, और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जंतु में तो होते नहीं है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। एचआईवी की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी। एचआईवी एक्चुअली है क्या, एड्स और एचआईवी में थोड़ा डिफरेंट आपको पता होनी चाहिए, क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ना, एड्स और एचआईवी दोनों सेम ही चीज ऐसा मान लेते हैं, एड्स एक्चुअली एक बीमारी है, ठीक है, और एचआईवी क्या है, उसका वायरस है, ठीक है। जैसे आपको सर्दी हो जाती है तो सर्दी एक बीमारी है, लेकिन सर्दी किस वायरस की वजह से हुई वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो राइनो वायरस एक नाम का जो वायरस होता है उसके कारण सर्दी होती है, तो एड्स किसके कारण होती है, एचआईवी के कारण। एचआईवी क्या है, वायरस है और एड्स एक बीमारी है, ठीक है। तो बीमारी की खोज किसने की थी ये तो अलग विषय है, लेकिन बीमारी के कारक यानी बीमारी किस वायरस के कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है इसका नाम है, मतलब फुल फॉर्म। इसकी खोज किसने की थी, लुक मॉन्टेनियर। इसको याद कैसे करेंगे,
हालांकि इसको इस पे एक और प्रश्न बनना है कि लुक मोंटेनियर को किसके कारण एक 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था लुक मोंटेनियर को। ठीक है, ये साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार 2008 में मिला था इसी एचआईवी के खोज के लिए। ठीक है, एचआईवी वायरस इन्होंने खोजा था, इसी के लिए इनको मोंटेनियर को नोबेल पुरस्कार मिला था 2008 में। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे कि लुक मोंटेनियर ने ही एचआईवी की खोज की थी। तो आप देखते हैं कि जब माउंटेन पे जो चढ़ता है, जो माउंटेन पे यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, उसके जो फेस देखेंगे यानी कि उसको लुक करेंगे, उसके फेस को लुक करेंगे यानी उसको देखेंगे, तो वो काफी थका हारा एकदम से डिमोलाइज टाइप का रहेगा, एकदम से उसका आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो एकदम से गिरा थका दिखेगा। और जिसको एचआईवी हो जाता है वो वैसे ही डिप्रेस में उसके फेस या बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, वो भी वैसा ही दिखता है जैसा माउंटेनियर यानी कि माउंटेन चढ़ने वाले दिखते हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एचआईवी जिसको हो जाता है वो इस तरीके से दिखता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज गिरा गिरा सा रहता है, एकदम से फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहता है, एकदम से डिमोलाइज रहता है। और जो माउंटेन पे चढ़ते हैं वो तो ऐसे भी थके होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि एचआईवी जिसको हो जाता है वो माउंटेन पे चढ़ने वाला जैसा व्यक्ति जैसा दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, ये थी बायोलॉजी के कुछ टर्म और प्रश्न जो कि आपके लिए मैं लाया डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से, एक एनालाइज करके कि क्या चीज़ें आपको दी जाए ताकि आपको चीज़ें जल्दी याद हो, और किस तरीके से इसको पेश किया जाए ताकि आपको ये चीज़ें एक फनी वे में और इंटरेस्टिंग वे में याद हो। तो ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।